नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे आने की दिनांक 19 सितंबर 2022 को एक छुपा हुआ गद्दर आपके हाथ लगेगा। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके भी रूह कांप उठेंगे। दोस्तों आप लोगों को हम बता के, जो लोग आपके जीवन काल में काफ़ी समय से रुकावटें बढ़ रहा था या फिर इन लोगों की वजह से आपको अपने जीवन काल में काफ़ी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों जो लोग कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की बाधाओं का उत्पन्न कर रहा था, तो दोस्तों वे अब आपके हाथ लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उनकी असलियत सबके सामने बाहर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जिनकी वजह से आप लोगों के जीवन काल में आपको काफ़ी खुशियां भी प्राप्त होंगी और आपको एक राहत भरी महसूस भी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित, जिसमें हम बात करेंगे 19 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में। दोस्तों आज का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानियां रखनी होंगी और कौन सी चुनौतियों का सामना आज आपको करना पड़ेगा। दोस्तों आज के दिन आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो आप लोगों को आज के दिन क्या क्या खुशखबरियां मिलने वाले हैं, आज आपके कौन कौन से क्षेत्र में और क्या क्या बदलाव भी देखने को मिलेंगे और आपके ज़िंदगी में इसमें क्या क्या चमत्कार भी होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही आज के दिन आपके प्रेम संबंध राशि पर कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य और कल्याण राशि पर कैसे रहेंगे, आर्थिक राशि पर कैसे रहेंगे और दोस्तों करियर धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी। दोस्तों घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों साथ ही बात करेंगे जिनका आपका शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिशा कौन से रहने वाले हैं। दोस्तों इन सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। तो आप सभी से बस मेरा छोटा सा निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे यानी कि सोमवार के दिन इस उपाय को अपलोड कर लेंगे, दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन के सारे की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जीवन के सारी परेशानियाँ और सारे के सारे दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इस दिन के पंचांग। दोस्तों इस दिन सोमवार का दिन है। दोस्तों सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पावन रहने वाला है। दोस्तों आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और दोस्तों पूर्णमासु नामक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों सुबह की बात करें, दोस्तों व्यातिपात योग सुबह 7:28 के उपरांत वरियान योग प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों राहु काल की समय की बात करें, अर्थात दिन का वैद्य शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 7:48 से लेकर सुबह 9:19 रहेगा। दोस्तों ऐसे अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न बधाएं भी पड़ सकती है। और दोस्तों अब जो मेरे समय की बात करें, अर्थात दिन का व्यतीत शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:44 रहेगा। और दोस्तों ब्रह्म राशि की बात करें, सुबह 4:42 से लेकर सुबह 5:30 रहेगा। और दोस्तों सूर्य कन्या राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि फल पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आइए पूरी की पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से यह जानकारियां मिल रही कि आने वाले अगले 24 घंटे आने के 19 सितंबर 2022 का जो दिन है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लकी समय साबित होगा। दोस्तों यह समय आप ऐसे स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों आज नए पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी शुभ दिन है। इसे सफल बनाने के लिए दूसरे सदस्यों की भी आप मदद लें, आपका परिवार को आपसे भरोसा और वादे की आवश्यकता है। दोस्तों यह समय अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन इससे मामलों में पड़ने से आपको यह समय बचना होगा जिनसे कि आपका कोई लेना देना नहीं है और आप अपने बलबूते पर ही अपने समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें, इससे कोई भी अस्थायी सफलता अवश्य ही मिल जाएगी।
और दोस्तों आज कोई भी नया काम शुरू करने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिहाजा से दिन आपके लिए बेहतर है और परिवार के किसी भी जरूरी काम से आपको आज आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ सकता है और इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कामयाबी जरूर ही मिलेगी और अपने घर के बुजुर्गों को किसी भी धार्मिक स्थल पर ले जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों आज आपके ज़िंदगी में कुछ इस तरह के परिवर्तन और बदलाव होने वाले हैं जिसे देखकर आप सभी की होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह समय आप मंदिर में भगवान का दर्शन करें, जीवन में आगे बढ़ने के मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे। और दोस्तों लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस भी होंगी, किसी भी महत्वपूर्ण खबर से आपको आज खुशी मिलेगी। यदि माता पिता है तो बेटे बेटी के लिए सुयोग वर भी मिल सकता है और आज किसी भी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है और करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता आज आपको मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है और परिजनों के साथ आज आप खुश भी रहेंगे। और दोस्तों प्रेम और समय राशिफल की दृष्टि में देखें, दोस्तों आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना हमेशा देखा करते थे। दोस्तों यह व्यक्ति आप ही की तरह दिलचस्प और साहसी भी होगा, आपको समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे और आज प्रेमी की चिंगारियां आप में रहेंगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे और उस व्यक्ति को धीमे से अपने प्रेम रूपी भावनाओं को व्यक्त करना आप बिल्कुल ही ना भूलें। और दोस्तों करियर और राशि फल की दृष्टि में देखें, दोस्तों आज बदलाव आपके करियर में संकेत दे रहा है लेकिन ये परिवर्तन आपको आनंद भी देगा। आपको नई नौकरी की पेशकश भी मिल सकती है या फिर एक नए विभाग में आपको हस्तांतरित भी किया जा सकता है। दोस्तों आज पंतरी का भी संकेत मिल रहा है, आप अपनी नई जिम्मेदारियों से प्यार भी करेंगे और अपने आप को साबित करने के लिए उत्साह से भर जाएंगे और आप अपनी कार्य क्षमताओं से हर किसी को प्रभावित भी आज करेंगे। और दोस्तों बिजनेस और व्यापार की दृष्टि में देखिए, दोस्तों आज सितारों की स्थितियां से यह जानकारी मिल रही है कि आज व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास व उत्साह के साथ नए आयाम स्थापित भी आप करेंगे। दोस्तों आज कम धंधे के समय व्यापार में काम की बेहतर स्थिति देखी जाएगी और आज कोई बड़ा नया ऑर्डर आपको मिल सकता है और किसी भी कंपनी के द्वारा मर्जर या फिर कोई भी जॉइंट वेंचर साझेदारी आदि भी देखा जा सकता है। और दोस्तों आज सेल्स व मार्केटिंग से जुड़े जातक अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करेंगे और इस राशि के नौकरी करने वाले कुछ जातक आज छुट्टी का आनंद लेंगे और वहीं कुछ ऑफिस के कामों में व्यस्त भी रहेंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि में देखिए, दोस्तों आज कमर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, आज आप भुजंग आसन करना आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। और दोस्तों घर परिवार के माहौल में देखिए, दोस्तों आज पति पत्नी के मध्य अच्छा तालमेल रहेगा और आपसी संबंधों में नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी और किसी भी संत व विद्वानों को घर पर खाना खिलाया जा सकता है। बच्चे और परिवार के सदस्य फरमाइश पेश कर सकते हैं जिन्हें आप खुशी खुशी पूरा करेंगे और सायंकाल में बहुत समय से भाई बंधुओं से चला आ रहा विवाद या समय सुलझ जाएगा और आपको एक अच्छा महसूस भी होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले अगले 24 घंटे आने की सोमवार को इन कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी जो इनकी सारी की सारी परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों यदि आप लोग अपने घर में सुख शांति और खुशहाली चाहते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन शिव जी को घी शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उसके बाद उनकी आरती करें। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन दही सफ़ेद वस्त्र दूध और शक्कर का दान करना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा भक्तों के ऊपर बनी रहती है और जीवन की सारी परेशानियां भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जुड़े के दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे और हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली बनी रहेगी। जी दोस्तों और दोस्तों इस दिन का आपका शुभ अंक रहने वाला है 7 और शुभ रंग रहने वाला आपका सफ़ेद और गृह रंग और शुभ दशा रहने वाला आपका पूरब दिशा।